साथियों, एट्रोसिटी एक्ट में जो खास करके जब हमारा एट्रोसिटी एक्ट होता है, एट्रोसिटी एक्ट में जो ऑफिसर नोडल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनका रिस्पांसिबिलिटी क्या है, उनका महत्वपूर्ण दायित्व तो क्या है, इम्पोर्टेंसी क्या है। नोडल अधिकारी का नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वो होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जब गवर्नमेंट जिसको चाहता है इनको ही एट्रोसिटी केस को देखने के लिए जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ऑफिसर को ही आपका नोडल ऑफिसर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो नोडल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट को प्रत्येक तिमाही के अंत में रिव्यू के लिए इनको भेजना है और देखना है 3 महीने के अंदर every 3 month कितना एट्रोसिटी एक्ट हुआ, राज्य सरकार का द्वारा क्या क्या रिपोर्ट आया, एंटायर रिपोर्ट को वो देखेगा। उनका काम है, नोडल ऑफिसर का काम है। उसमें बहुत सारे तथ्य आता है। हर दिन जब एट्रोसिटी एक्ट रजिस्टर्ड होता है, ये रिपोर्ट नोडल ऑफिसर का पास जाना चाहिए। ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से जितने भी एट्रोसिटी केस होता है, दायर FR रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत तुरंत नोडल ऑफिसर को वो जानकारी लोयर ऑफिसर भेज देना चाहिए। हर every 3 month में ये रिव्यू होगा, किनको क्या सुविधा मिला है, कितने कहाँ कहाँ पर एट्रोसिटी को रोकने के लिए क्या कदम हुआ है, फलाना तारीख में एट्रोसिटी हुआ था, उनका रिजल्ट क्या निकला है, तमाम जानकारी नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट को देगा। और हर हर कोई एट्रोसिटी जगह पर लोगों को अधिकार देना उनका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जानते हैं उनका दायित्व तो क्या क्या होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट का प्रत्येक 3 महीने के अंत में इनको रिव्यू के लिए किया जाएगा, उनके बारे में जानकार रखा जाएगा। जो रजिस्टर्ड हो गया, जो 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 केस रजिस्टर्ड केस को और मामले को स्थिति को देखना है, कितना केस रजिस्टर्ड हुआ और उनका सिचुएशन क्या है, कहाँ तक गया है, फाइनल फॉर्म हुआ ना नहीं, बेल हुआ ना नहीं, दोषी को क्या क्या हुआ है, एविडेंस के लिए क्या स्टेप लिया गया है, पीड़िता को क्या मदद दिया गया है, तमाम स्थिति को अवलोकन करना नोडल ऑफिसर का काम है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर, ब्लॉक लेवल का, थाने लेवल का ऑफिसर और SP या DSP लेवल का ऑफिसर काम में नेग्लिजेंसी करता है, तो उन्हें वो तागिद करने के भी अधिकार है, उन्हें 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 फोन करके बताने के लिए भी अधिकार है। परिलिखित क्षेत्र में विधि व्यवस्था का स्थिति देखना नोडल ऑफिसर का काम है। जिस इलाके में एट्रोसिटी बढ़ गया है, एट्रोसिटी हुआ है, वहां का विधि व्यवस्था क्या है। दबंगे समाज का लोग सेकेंड टाइम एट्रोसिटी तो नहीं कर रहे। तमाम स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टडी करना एक नोडल ऑफिसर का रिस्पांसिबिलिटी है। टॉप लेवल IPS ऑफिसर को ही नोडल ऑफिसर स्टेट में बनाया जाता है। इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। वो ऑफिसर हर वक्त उस स्थिति को देखना उनका रिस्पांसिबिलिटी बनता है। तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए बताए गए उपायों को पालन किया गया ना नहीं, उनको देखना नोडल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है, FR होते ही तत्काल मदद किया जाता है पीड़िता को, उनका सुरक्षा दिया जाता है, उनका खाने पीने की व्यवस्था किया जाता है, एविडेंस को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तमाम ये स्टेप हुआ ना नहीं, इसके बारे में नोडल ऑफिसर जानकारी वक्त वक्त पर रखना चाहिए, उनका वो काम है। यानी ये काम भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है तो सर्विस कोड का भी वायोलेशन किया जा रहा है। साथियों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो सर्विस कोड में बंधा हुआ है, और भारत के संविधान का 311, 308 और 310, 309, 310, 311 में ये लोग आ जाते हैं। 308 से लेकर 311 जब हम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कैसे कंट्रोल किया जाता है संविधान में लिखा गया है। यानी ये चार सेक्शन को जो वायोलेशन कर रहा है तो गया उनका नौकरी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। बड़ी दुख की बात यह है, एग्जीक्यूटिव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग नहीं है, जुडिशियरी में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हिस्सेदारी कम है, इसलिए एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है।
कानून तो बहुत सुंदर करके किताब में बनाया गया है, लेकिन ये कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। इनको इंप्लीमेंट करने वाले कोई भी नहीं है। सोचिए, नोडल ऑफिसर भी यहाँ फंस सकता है, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 308, 309, 310 एंड 11, 9, 10, 11 में, 9 या 10 में, ये दोनों सेक्शन में ये बताता है कि नोडल ऑफिसर उनका ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी नेग्लेक्ट कर रहा है तो उन्हें डिसमिस भी किया जा सकता है, उनका खिलाफ डायरेक्ट प्रोसीडिंग होता है। और स्टेट सर्विस कोड और सेंट्रल सर्विस कोड, स्टेट सर्विस कोड के तहत आपका सेक्शन 4 मिसयूज ऑफ द पावर में भी वो फंस सकता है। यानी तमाम कानून है देश में जो एट्रोसिटी एक्ट का विलाप करता है, दोषी से लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक यहां गलती करने से माफी नहीं है। फिर भी नोडल ऑफिसर एक काम करता है या नहीं, क्या आपका स्टेट में किया जा रहा है, तो ये सूचना आपको रखना है। आप आरटीआई से मांग कर ये रिपोर्ट रख सकते हैं, कितना केस आपका इलाका में, आपका स्टेट में हुआ है, नोडल ऑफिसर क्या क्या कदम उठाए हैं, तत्काल सुविधा राहत उपलब्ध किए ना नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, स्टेट लेवल का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, ये आप आरटीआई में मांग सकते हैं ऐसे कामचोर ऑफिसर को पकड़ने के लिए। जनरली एट्रोसिटी केस में कामचोर होता है, ऑफिसर काम चोरी करता है और एट्रोसिटी केस को वीक कर देता है। क्यों नोडल ऑफिसर भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट तो एससीएसटी का नहीं है ना, बहुजनों का गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट मनुवादी चलाता है, चाहे जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होना क्यों, कांग्रेस भी मनुवादी, बीजेपी भी मनुवादी, आम आदमी पार्टी भी मनुवादी, तृणमूल कांग्रेस भी मनुवादी, तमाम मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी कभी भी एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती के साथ देश में लागू करना नहीं चाहते हैं। और क्या काम है नोडल ऑफिसर का, पीड़ित और आश्रित को राशन दिया गया ना नहीं वो देखेगा, पीड़ितों का साथ साथ उनका आश्रित, आश्रित का मतलब उनका वाइफ, उनका बच्चे, उनका बूढ़े माँ बाप, उनका फैमिली मेंबर को आश्रित कहा गया है इस एक्ट में। एट्रोसिटी एक्ट में पीड़िता का मतलब जिनको एट्रोसिटी होता है वो पीड़ित है, आश्रित का मतलब जो एट्रोसिटी भोग रहा है उनका परिवार को समझा रहा है, उनका वाइफ, उनका बाल बच्चे, उनका बूढ़े माँ बाप को आश्रित किया जाता है। एट्रोसिटी के बाद पीड़िता का, पीड़िता और उनका आश्रितों को राशन दिया गया ना नहीं, खाने पीने की व्यवस्था हुआ ना नहीं, वस्त्र दिया गया ना नहीं, उनका मकान तोड़ा गया तो उनका आश्रय मिला ना नहीं, यानी तमाम सहायता प्राप्त करा क्या गया ना नहीं, वो नोडल ऑफिसर पल पल में ये रिपोर्ट रखना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ऑफिसर होता है कलेक्टर रैंक, लगभग कलेक्टर रैंक के बराबर का एक ऑफिसर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रैंक का लोग ही एट्रोसिटी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल का चेयरमैन बन के रहता है, अधिकारी बन के रहता है, स्टेट लेवल में टॉप मोस्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस या जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक जैसे पोस्ट का नीचे वाले को ये पोस्ट नहीं दिया जाता है, नोडल ऑफिसर का पोस्ट। ये नोडल ऑफिसर ऐसा काम करना है, उनको देखना है पीड़िता और पीड़ित आश्रित को राशन मिलाना नहीं, वस्त्र मिलाना नहीं, आश्रय मिलाना नहीं, कानून का सहायता उन्हें मिलाना नहीं, कानून का सहायता के लिए जो यात्रा का जाता है कोर्ट आने जाने की खर्चा उन्हें मिलाना नहीं, दैनिक भत्ता उन्हें मिलाना नहीं, जिस दिन उन्होंने कोर्ट के लिए जा रहा है दो चार दिन, जितने दिन भी कोर्ट जाना आना करता है उस दिन का भत्ता, जाने आने का खर्चा, तथा कानूनीकरण, कानूनी प्रक्रिया में गुजरने के लिए उन्हें सहायता राशि मिला या नहीं, या परिवहन व्यवस्था किया गया या नहीं, तमाम सुविधा पर्याप्त हुआ ना नहीं, इनको देखना एक नोडल ऑफिसर का काम है। क्या आपका स्टेट में ये हो रहा, नोडल ऑफिसर ये काम कर रहा है? शायद हर दिन साथियों, हर दिन एट्रोसिटी होता है, कौन पूछ रहा है, कौन पूछेगा ये कानून को? कानून का धज्जिया उड़ाने वाले ऑफिसर लाखों हजारों मिल जाते हैं, लेकिन एट्रोसिटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भोग रहे हैं। आज एट्रोसिटी थमने के नाम इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ना वो कानून को चलाने वाले व्यक्ति ही कानून को दुरुपयोग कर रहे हैं। नोडल ऑफिसर का कितना काम है देखिए, एक काम जब ये लोग कर देते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठे हुए पुलिस, थाने में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर, डीएसपी लेवल का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उनका हिम्मत नहीं होता, हिम्मत नहीं होगा एट्रोसिटी एक्ट में नेग्लिजेंस करने के लिए। यहाँ एट्रोसिटी एफआर होते ही डराया जाता है, धमकाया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है,
सवर्णों को सुरक्षा दिया जाता है, एससी एसटी लोगों को फिर फॉल्स केस में डालकर जेल भेजा जाता है ताकि वो डर के मारे एट्रोसिटी केस से हट जाए। कितना अन्याय किया जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, क्योंकि ये वॉइसलेस लोग हैं, इनका वॉइस बन रहा है भारत का संविधान। गैर सरकारी संगठन का साथ कार्य पालन करना भी नोडल ऑफिसर का काम है। जो एनजीओ होता है वो एनजीओ का सहायता भी लेना इन नोडल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लोकल एनजीओ। और जो एनजीओ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का द्वारा चलाया गया तो वो बहुत बढ़िया है, ऐसे एनजीओ का सहायता लेना है और एट्रोसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी काम करते हैं नोडल ऑफिसर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण कक्ष का कार्य पालन देखना नोडल ऑफिसर का काम है। साथ में नोडल ऑफिसर एक स्टेट लेवल का ऑफिसर होता है, नॉट लेस देन द आईजी और डीजी का रैंक। जो कक्ष बनाया जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सहायक कक्ष है, उनका कार्य पालन हो रहा है ना नहीं, ना सिर्फ कक्ष बनाकर पे कागज और कलम में चल रहा है, ये तमाम विधि व्यवस्था को देखना नोडल ऑफिसर का काम होता है। लोक सेवक का कार्यपाल देखना है, जो लोक सेवक अपॉइंटमेंट किया जाता है एट्रोसिटी एक्ट को रोकने के लिए उनका कार्यकाल क्या है, उनका कार्यकलाप क्या है, ये सब नोडल अधिकारी देखता है। और एट्रोसिटी को राहत पहुंचाने के लिए उनका जी तोड़ कोशिश रहता है। पीड़ितों और साक्षियों को अधिकार का कार्यवाही करवाना और कार्य करवाना कार्यवाहन करवाना उनका काम है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एट्रोसिटी एक्ट में गवाह और उनका विक्टिम यानी पीड़िता, ये दोनों को जिस दिन से एट्रोसिटी होता है उसी दिन से सुरक्षा उपलब्ध करवाना नोडल ऑफिसर का काम है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस दादागिरी करता है, मारता है पीटता है, ये कहाँ का कानूनी आर्टिकल 21 को वायोलेशन करता है। किसी का हाथ ऊपर हाथ उठाने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर का अधिकार ही नहीं है, वो अधिकार श्रेणी से बाहर है, फिर भी कभी कभी पुलिस दादागिरी करके मारने के लिए जाते हैं। वो ये नहीं सोचता वो एक गवर्नमेंट का सर्वेंट है, वो कानून से बंधा हुआ है, उनका वीडियो बनाकर वायरल किया जाएगा और उनका अगेंस्ट एफआईआर होगा तो उनका नौकरी बचेगा नहीं। शायद पुलिस ऑफिसर भारत में रहने वाले पुलिस ऑफिसर को ट्रेनिंग पीरियड में सब बताया नहीं जाता, बताया जाता भी है तो एससी एसटी लोगों को ये जानवर से नीचा दिखते हैं, इसीलिए थाने में बैठा हुआ दारोगा खुद को सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा ताकतवर समझता है, वही विडंबना है। साथियों ये सब एक नोडल ऑफिसर को देखना है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।